अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रिवॉर्ड पॉइंट को डिविलेट में किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले आपको विलेट की कॉपी करनी होगी, तो आप अपने विलेट अकाउंट को खोलें और एडिट प्रोफाइल पर जाए और विलेट की को कॉपी करें। इसके बाद आप अपना एडिशन अकाउंट खोलें और तीन डॉट्स पर क्लिक करें, फिर ट्रांजेक्शन पर क्लिक करके ट्रांसफ़र बैलेंस पर क्लिक करें और जितने भी रिवॉर्ड आप ट्रांसफ़र करते हैं वो टाइप करें और नीचे यूज़ द विलेट यूज़र की में वो जो की आपने कॉपी की थी वो पेस्ट करें और फिर ट्रांसफ़र बैलेंस पर क्लिक करें, प्रोसीड पर क्लिक करें। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अपना पर्सनल पिन दें तो आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स विलेट में ट्रांसफ़र हुए। आप अपना विलेट अकाउंट खोलें। पहले तो इस तरह होता था कि PRP डायरेक्ट इसमें आते थे, लेकिन अब इसको एक बार लॉग आउट करना पड़ेगा। तो आप अपने PRP पॉइंट को खुद चेक करें कि कितने हैं। हमारे 436 है। तीन डॉट्स पर क्लिक करें और अपना अकाउंट साइन आउट करें और फिर दोबारा लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड भेज दिया जाएगा, तो वो कोड आप यहाँ पर टाइप करें। अपने पर्सनल ईमेल पर जाएं और वहाँ पर वेरिफिकेशन कोड भेज दिया गया है उसको देखकर यहाँ पर टाइप करें और अपना अकाउंट लॉगिन करें। वेरिफिकेशन कोड है 5409। तो ये आसान सा तरीका था कि रिवॉर्ड पॉइंट को विलेट में किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं। तो अब आप अपने PRP पॉइंट को चेक करें कि रिवॉर्ड पॉइंट ट्रांसफ़र हुए हैं कि नहीं। ये देखो, हमारे रिवॉर्ड पॉइंट ट्रांसफ़र हुए हैं। पहले कम थे और अब ज़्यादा हुए, 11 रिवॉर्ड पॉइंट ट्रांसफ़र हुए हैं।